हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर चैनल दिस इज मन्ना एंड ऑफ कोर्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द वीडियो इज़ बेस्ड ऑन एल आई सी ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो आस्किंग लाइक आर यू गोइंग फॉर द फॉर दिस सो टू थाउजेंड में इसका प्रीवियस वन आया था जो नोटिफिकेशन आया था तो दैट टाइम इवन मैंने स्टार्ट भी नहीं की थी प्रिपरेशन सो so, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कुछ भी कि एग्जैक्टली exactly क्या पैटर्न रहता है क्या एग्जाम इसमें होते हैं एग्जैक्टली exactly आपको करना क्या होता है सही बताऊँ जीरो नॉलेज थी ओके okay, सो so, uh, अभी के लिए मैं अपना अगर आंसर करती हूँ तो ऑफकोर्स जैसे इसमें डेट्स वगैरह आई हुई हैं तो अभी के लिए येस आई एम गोइंग फॉर दिस वन इसके पीछे के दो रीजनस हैं आई नो अबाउट द फाइनल सिलेक्शन कि आई विल गेट और नॉट ओके बट फर्स्ट तो ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी जैसे आई बी ने अपना कैलेंडर दे दिया है तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना ऐसा होता है ना कि एक बोरियत सी नहीं आएगी आप कंटिन्यू रहोगे एग्जाम्स के टच में रहोगे प्रिपरेशन के टच में रहोगे एक सिर पर ऐसा रहेगा कि यार एग्जाम्स एग्जाम है यू यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन और यू यू शुड कनेक्ट विद द स्टडी ओके आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा स्टडी के साथ में तो मेरा जो बेसिक रीज़न है वो मेन फिलहाल के लिए ये है अब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स या क्या हमें करना होगा कैसे करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं या आपने सब्जगह देख लिया होगा ठीक है क्या क्या वैकेंसीज हैं क्या नहीं है सो होप सो मुझे इसके बारे में डिटेल में कुछ भी बताने की आपको नीड नहीं है ठीक है इस वीडियो का जैसे टाइटल है मेन वही हम उस पर फोकस करेंगे ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ ये मैंने कुछ एक वो लिए थे स्क्रीनशॉट्स लिए थे नोटिफिकेशन के अंदर से ही आपका एग्जाम जो है सही वन मंथ के बाद है आज की डेट से वन मंथ आपके पास है प्री एग्जाम के लिए और दो महीने आपके लिए मेंस के एग्जाम के लिए ओके okay? सो so, तीन उसमें रहती हैं प्रोसेस में प्री मेंस इंटरव्यू ओके okay? सो so, प्री में जो क्ला स्टूडेंट्स जाते हैं मेंस में जो जाएंगे वो वन रेशो ट्वेंटी में जाएंगे जहाँ तक मुझे यहाँ समझ में आए इस नोटिफिकेशन में गिवन है और जो इंटरव्यू में जाएंगे वो वन रेशो थ्री में जाएंगे ये एक चीज़ मतलब मोस्टली मुझे सुनने को नहीं मिली तो मुझे लगा आई हैव टू इन्फॉर्म टू यू ऑल ओके अब उसके बाद करते हैं सेक्शनल कट ऑफ यस इसमें सेक्शनल कट ऑफ मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल अभी तक जो मुझे एक माइंड में ना वो क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है वो ये कि सेक्शनल कट ऑफ सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है अगर हम प्री की बात करते हैं ओके हेर यू कैन सी आप प्री का देख सकते हो ये वाला जो है इसमें देखो रीजनिंग में आपको रीजनिंग मिलेगी मैथ्स मिलेगा एंड देन आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा इंग्लिश ठीक है सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो है कि इंग्लिश आपका जो है ना इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इसको क्लियर करना है मतलब जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो सेवेंटी के आ, से ही जाएगी थर्टी फाइव थर्टी फाइव मैथ्स रीजनिंग जो इंग्लिश है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन द नेचर है और इसमें अगर मैं बात करती हूँ आपका फाइनल जो मे कट ऑफ है मतलब क्वालिफाइंग यू हैव टू गेट टेन मार्क्स और इसमें जो मेन चीज़ें ना आपको जो स्पेश स्पेशली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मुझे लग रहा है थोड़ा सा बैंक से हटकर आएगा जैसे बैंकिंग में चीज़ें होती है ग्रामर के इर्द गिर्द कम होती हैं तो इसमें ग्रामर आएगी आपकी वकैब आएगी कॉम्प्रिहेंशनस आएंगे ठीक है यहाँ पर आप इस पार्ट में देख सकते हो अच्छे से ये वाला जो पार्ट है बैंकिंग ग्रामर वकेबलरी एंड कॉम्प्रीहशन कॉम्प्रीहेंशन ठीक है लेकिन ग्रामर वोकैब एक्स्ट्रा आपको करनी पड़ेगी दस मार्क्स की इसमें आपकी जाने वाली है सेक्शनल कट ऑफ रीजनिंग मैथ्स की बात करूँ अठारह अठारह आपको नंबर लेने होंगे ठीक है मतलब अगर इफ़ यू आर इन जर्नल और ई डब्ल्यू एस ठीक है कैटेगरी से बिलोंग करते हो यू आर से हो ई डब्ल्यू एस से हो देन यू हैव टू गेट एटीन एटीन मार्क्स इन बोथ सेक्शंस ओके ये आपको लेने होंगे अब हम बात करते हैं मेंस की तो इस वाली चीज़ को देखना मेंस में इसमें सेम वही फाइव है लास्ट में जो लेटर और ऐसे है ना वो क्वालिफाइंग इन द नेचर है टोटल तीन सौ मार्क्स का आपका होने वाला है मेंस अब इसमें आपको नाइन्टी देखो रीजनिंग और ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो आप खुद ही देख लेना मैं ज़्यादा इसमें नहीं प्रेशर करूंगी कि क्या कुछ है कैसे है आपको टाइम ड्यूरेशन देख लेना लेकिन इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स है एग्जैक्टली exactly हाफ है मतलब जितना आपका रीजनिंग है ना यहाँ पर आपको गिवन है नाइन्टी मार्क्स का तो आपको फोर्टी फाइव आपकी कट ऑफ मतलब फोर्टी फाइव आपके मार्क्स आने चाहिए उसमें समझ रही हो मतलब हाफ कट ऑफ से रहना चाहिए अब बात करते हैं हम क्या कि पिछले साल जो कट ऑफ गई थी वो कैसे गई थी सबसे पहले मैं प्री की बात करती हूँ तो प्री में एक चीज़ जो आपको समझ में आ रही होंगी यहाँ पे देख सकते हो एटीन ये जनरल कैटेगरी का सिर्फ मैं बता रही हूँ बाकी आप देख लेना 18 रीजनिंग 18 मैथ्स मतलब ये सेक्शनल आपको लेने ही पड़ते हैं जो मैंने पहले बोला 10 रीजनिंग ये तो क्वालिफाइंग इन द नेचर है इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है टोटल ओवरऑल जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 58 लेकिन इस बार भी ऐसा ही रहे देखो एग्जाम का चाहे लेवल कुछ भी हो क्योंकि इस बार जितने भी मैंने एग्जाम्स दिए जो चीज समझ में आई है हम एग्जाम का लेवल लेवल देखकर कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बहुत ज्यादा सो so, कट ऑफ यही रहे ऐसा कुछ भी नहीं है कट ऑफ में भी ये आउट ऑफ सेवेंटी है इस चीज का ध्यान रखना ये जो फिफ्टी एट है ये आउट ऑफ सेवेंटी है ठीक है तो कट ऑफ ऐसा नहीं होगा कि कम जाएगी ज्यादा जाएगी मुझे लगता है सेम या ज्यादा ही होगी और एग्जाम का लेवल भी बढ़ेगा पिछली बार से ऐसा मुझे इंटेंशन मतलब होता है ना एक अंदर से फील आ रहा है ओके अब तक के एग्जाम्स को देखते हुए मेन्स की कट ऑफ की बात करते हैं तो मेन्स में जो फाइनल पिछली बार आपकी रही थी टू जीरो थ्री रही थी आउट ऑफ थ्री हंड्रेड ठीक है थ्री हंड्रेड है ओके बाकी आप देख लेना किसमें कितने रीजिंग मैथ रीजिंग और इंग्लिश इसमें सिर्फ जो वो है कॉम रीडिंग वो सॉरी मैं बोल रही हूँ राइटिंग जो है आपका वो आपका क्वालिफाइंग इन द नेचर है ठीक है यह देख लेना अब हम बात करते हैं जिसपे पूरी वीडियो बेस्ड है सोर्सेज़ के ठीक है तो सोर्सेज के में तो देखो सबसे पहले आप एग्जाम फिल करने जा रहे हो आपको सिर्फ एग्जैक्टली exactly देखना है कि कैसा लेवल आ रहा है थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न से हटकर आएगा एक स्टार्टिंग के लिए ही सबसे पहले तो मैं एक लिंक गिवन दे रही हूँ आपको एग्जैक्ट एग्जाम लेवल है वो मैंने दे दिया है आई विल शेयर द मार्क्स आफ्टर अप्लाई ओके मैं अपना अप्लाई करने के बाद में उस मॉक का शेयर करूंगी जो मैंने अभी लगाया है तो आप ये फ्री वाला मॉक लगाना ठीक है इसमें आप देखना कि आपका क्या कुछ कैसे रह रहा है स्कोर वगैरह इंग्लिश थोड़ी सी ग्रामर बेस्ड वक़ैब बेस्ड होगी तो आप क्या उसमें कर पा रहे हो ओके ये है अब बात करती हूँ मैं बिगिनर्स की तो मैं बिगनर्स के लिए स्पेशली देखो एक सीधी सी बात है नो मतलब ना कहूँगी मैं क्योंकि देखो जो बहुत ही स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं ना उसका भी नहीं हो रहा है न, तो बिगनर्स के लिए वन मंथ में सब कुछ कर पाना और वन मंथ में फिर आगे मेंस को प्रिपेयर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज भी नहीं है ये सीधा क्लियर कट है हाँ एक पर्सन है जो अफोर्ड कर सकता है इसकी फीस और दूसरा वो अफोर्ड कर सकता है एग्जाम देकर आना तो आप जाइए जस्ट अगर आप एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हो अच्छा ठीक है मैं भी आप क्वालिफाई हो जाओ मेंस वगैरह के लिए लेकिन फाइनल में जाते जाते सीधी सी बात है भाई कोई मैं ऐसा बात नहीं कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छी बात कर लूँ कि हाँ हाँ तुम जॉब ले लूँ नहीं बहुत मुश्किल है कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है ओके okay? इवन मैं खुद का भी मेरा अभी कन्फर्म नहीं है सो so, सिंपल सी बात है अगर कोई बहुत ही हमें एक एक पैसे के लिए ऐसा होता है ना कि नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि हमारे पास हम फीस कैसे देंगे या जो भी है तो उसके लिए सिंपल सी बात है प्लीज़ uh, अपनी प्रिपेशन फोकस रखो आगे और बहुत एग्जाम लाइन अप है ठीक है और फिलहाल के लिए एक जो मैं आपको मॉक दे रही हूँ आप वो लगाइएगा उसके बाद में आपको जैसा जो फील हो आप अप्लाई करो फिर तो हमें डेली डेली प्रैक्टिस करनी है ठीक है अब बात करते हैं पी वगैरह की इस पी को मैं बाद में डिस्कस करूंगी पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की तो देखो करंट अफेयर्स जो अब तक स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते आ रहे हैं ना उनके लिए तो वैसी की वैसी ही है कोई बहुत डिफरेंस नहीं है मतलब जो बैंकिंग सेक्टर में हम हैं तो वो करंट अफेयर्स वैसे ही हमें पढ़नी है ठीक है जैसे बैंकिंग से रिलेटेड और पी वगैरह तो इसके लिए तो जैसे मैं सोर्स बताती आई हूँ अफेयर्स का और कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो और इसके लिए वीडियो सोर्स मतलब पी प्लस क्लास सोर्सेज दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है ओके अब हम बात करते हैं इंग्लिश की सबके लिंक सब है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जितने भी फ्री uh, मेरे पास मटेरियल uh, है इंश्योरेंस इस एल आई सी से रिलेटेड सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है जो आपको जैसा सुटेबल लगे आप जाओ उन पी को डाउनलोड करो फ्री uh, वाले मॉक लगाओ और फिर देखो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो ठीक है इंग्लिश के लिए मैं थोड़ा सा कहूँगी ग्रामर की आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना वीडियो कोर्स देखकर जाना जो आपका uh, मतलब uh, स्पेशल जो रहेगा एल आई सी ओ से रिलेटेड मैं कहूँगी कि इस पर प्रैक्टिस करके जाना ठीक है सिर्फ मॉक मॉक से नहीं होगा ये कि हम मॉक ही करते रहे थोड़ा सा हमें ग्रामर पर अब वर्क करना पड़ेगा जैसे मैं हूँ तो मैंने बहुत ज्यादा ग्रामर पर वर्क नहीं किया है कभी तो मुझे करना होगा तो इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ यहाँ तक होप्स तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी ठीक है कि मॉक पी डी एफ करंट अफेयर्स इंग्लिश अब पी डी एफ है पी डी एफ का जो मैं दे रही हूँ पी डी एफ को हम फिर से जैसे मैंने कहा था अलग से हमें देखना होगा तो पी डी एफ में मेन्स में जो आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ना वो ये पार्ट करने ठीक है? क्योंकि इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़नी पड़ेगी ग्लौ... मतलब नहीं पता था, ये दे था सर की में से ही मैंने देखा था तो ये वाली पीडीएफ और उसके बाद में डिटेल इंश्योरेंस पीडीएफ जो रहती है इसमें इंश्योरेंस डिटेल वाली में क्या होगा जो पिछले साल इंश्योरेंस जितना भी न्यूज में रहा है ठीक है वगैरह उसके बाद में पूरी एक अराउंड टू हंड्रेड अराउंड पीडीएफ है और लास्ट ईयर इंश्योरेंस जो न्यूज़ में रही उसकी क्लास का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी ये सारी चीज़ें हैं जिनके मैं लिंक आपको अभी नीचे प्रोवाइड कर रही हूँ ओके okay? सारे के सारे प्रोवाइड कर रही हूँ जो जैसे आपको सुटेबल लगे लेकिन अब यहाँ पर एक जो चीज़ मेन आपको ध्यान में रखनी है वो सिंपल uh, सी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी सिंपल सी बात है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें ओके okay? वो तो हम किसी भी वे में नहीं छोड़ सकते हैं वो मॉक से भी प्रैक्टिस होगी प्लस में हमें पी भी अलग से पढ़ पढ़नी पड़ेंगी ओके आप समझ रहे हो पी भी करनी पड़ेंगी अब क्या क्या हो जाएगा देखो जो स्टूडेंट्स करना चाहता है ना एग्जैक्टली वॉन्ट टू डू तो उसके लिए हो जाएगा क्योंकि थर्टी हमारे पास प्री के लिए टाइम है और आगे फिर थर्टी हमारे पास डेज है मेंस के लिए ओके ये बात रही अब इसमें प्री की बात करें तो हमें बहुत कुछ चेंज नहीं है जैसे हम देते आए हैं बैंकिंग वगैरह में वैसे ही है इसमें चेंज है थोड़ा बहुत तो इसके लिए देखो टोटल अगर हम बात करते हैं तो क्यूमिलेटिव हमारे पास सिक्सटी डेज हैं अब जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इंश्योरेंस वाली एक पीडीएफ आपको दे रही हूँ वो अराउंड है ट्वेंटी सेवन पेजेस की ठीक है आपको समझ में आ गया होगा ये ट्वेंटी सेवन पेजेस की है वेट जस्ट वेट ओके ओके okay, एक जो पीडीएफ मैं आपको दे रही हूँ वो आपके लिए है सेवन ट्वेंटी सेवन डेज़ की इंश्योरेंस की पीडीएफ है ये ओके okay, दूसरी जो एक पीडीएफ दे रही हूँ वो आपके पास है अराउंड टू हंड्रेड पेजेस की ठीक है तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा लमसम बता देती हूँ ये पीडीएफ आप दो से तीन बार तब तक कर सकते हो क्योंकि यू हैव सिक्सटी डेज ओके मान लो तीन तीन पेज डेली भी करते हो तब तो भी आपकी आपसे हो जाएगी अब टू अराउंड की जो पेज की पी है ना ये वाली आप एटलीस्ट एक, एक बार तो कर ही सकते हो लेकिन आपने अगर डेली दस दस पेज भी निकालने शुरू किए तो बीस दिन में आपके पास एक

अब फाइनल जो मैं बात कर रही हूँ तो इसके लिए सिंपल सी बात है देखो एक हम जैसे मैं अभी टारगेट स्टार्ट करूँगी काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कमेंट्स भी आए थे उनके ठीक है तो ऐसा था कि अभी करना क्या है कैसे नहीं करना है सिंपल सी बात है एक जो चीज़ बताती हूँ ना मेरे मन में ऐसा नहीं है कि आप मेरे कॉम्पिटिटर हो तो मैं आपको कुछ गलत गाइड करूँ जाऊंगी कहाँ गलत गाइड करके ओके जो मैं चीज़ें खुद करती हूँ वही आपके साथ बस एक शेयर कर लेती हूँ होता है ना कि ग्रुप स्टडी टाइप तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो ठीक है टेलीग्राम में अब मैं इससे रिलेटेड टारगेट शुरू करूंगी लेकिन 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 एक जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एस बी प्री का एग्जाम आने वाला है अब ये जो क्वालिफाई